गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे टू। हम लोग जा रहे हैं ओंकारेश्वर मंदिर, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है और देखते हैं कितना टाइम लगता है जाने में और कितनी भीड़ रहती है। तो हम लोग निकल जाते हैं सुबह 7 बजे, और 7 बजे इसलिए निकलते हैं क्योंकि हमें पहुँचने में करीब वहाँ से उज्जैन से आपको करीब 3 से 4 घंटा लग जाने वाले हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलिएगा, वो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये रही बात ऑफ सीजन की, और पीक सीजन में आप निकलते हैं तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी निकलना पड़ेगा। तो बस उज्जैन शहर से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, हमें इतना ज़्यादा कोहरा मिलता है कि आगे बिल्कुल रोड में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और हल्की सी खिड़की खोल के इस कोहरे को फील करना, कभी आपको मौका मिले तो फील करना, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होगी। लेकिन आप पूरी खिड़की खोल देंगे तो ठंड के मारे आप कांपने लगेंगे। तो कोहरे को अलविदा कहते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें मिलती हैं 3 घाटियाँ, जिसमें से एक शनि मंदिर घाटी, दूसरी है बलराज घाटी, और तीसरी का मैं नाम भूल गया। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बस इस तरह नज़ारे देखते हुए, मन में गुनगुनाते हुए स्वदेश का गाना, वो गाना है यूं ही चला चल रहा ही, इतनी हसीन है ये दुनिया, गाते गाते बढ़ते हैं आगे और लग जाती है हमें भूख। तो हम लोग यहाँ रुके हैं बलराज में नाश्ता करने के लिए। बहुत टेस्टी नाश्ता था, काफ़ी बढ़िया नाश्ता था यहाँ पर, और आपको दिखाते हैं कहाँ पर हम रुके हैं एग्जैक्टली। तो ये था पूरा यहाँ का लोकेशन, देख लीजिए आप अच्छे से। आप अगर चाहें तो यहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं, ये जगह का नाम है बलराज। तो हम लोग यहाँ बलराज में रुक के ब्रेकफास्ट किए हैं, काफ़ी टेस्टी था, पोहा खाए और जलेबी कचौड़ी सब कुछ टेस्टी था। तो हम लोग पेट पूजा करके बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने के बाद हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले होते हैं, सबसे पहले हमें मिलते हैं यहाँ पर नर्मदा नदी। तो आपको पता ही होगा, नहीं पता मैं आपको बता दूं कि ओंकारेश्वर जो मंदिर है वो नर्मदा जी के जस्ट साइड में ही बना है बिल्कुल। रेलवे ट्रैक था, इसमें पटरियां बिछी हुई थी, पूरा तोड़ दिया उसको, वो वाला था रेलवे ब्रिज, ये पुराना है। तो नर्मदा नदी का पुल क्रॉस करके हम आगे बढ़ते हैं, और आगे इतनी सुंदर रोड मिलती है मुझे, सुंदर इन द सेंस की देखिए कैसी रोड है। यहाँ पर बिल्कुल पेड़ अगल बगल बिल्कुल, और रोड बिल्कुल कवर्ड है पेड़ से। और उससे पहले हमने देखा था कि ओंकारेश्वर तक का 4 लेन का काम चल रहा है, तो आई थिंक हमें फ्यूचर में ये रोड बिल्कुल देखने नहीं मिलेगी। बस इसी चीज़ का एक दुख होता है कि हम अपनी तरक्की के लिए नेचर को जिस तरह से बिगाड़ रहे हैं वो सही नहीं लगता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं ओंकारेश्वर, 10 से 10:30 के बीच में लोग पहुंच जाते हैं, करीब 3.5 घंटे हमें लग गए यहाँ पहुंचने में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये खांडवा ज़िले में है, और वैसे तो अपने नाम से ही काफ़ी फेमस है ओंकारेश्वर, तो ऐसा कुछ ज़िला जानने का ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दूं कि ये खांडवा ज़िले में है। तो हम लोग बढ़ते हैं मंदिर की तरफ धीरे धीरे आगे, यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं आराम से। और वैसे भी यहाँ आने से पहले मैंने सुना था कि महाकाल उज्जैन से ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पर मंदिर के अंदर तक जाने में। और यहाँ भी मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ अलाउड है नहीं, तो आपको मंदिर के अंदर तक का कुछ दिख नहीं पाएगा। तो फ़िलहाल आप इन दुकानों को देखिए, और बहुत सारी दुकानें हैं, आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। एक ज़रूरी बात वो ये कि देखिए मंदिर जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो ये झूले वाला रास्ता और दूसरा है एक आगे वाला रास्ता। तो यहाँ पर झूले के पहले ही पुलिस वाले खड़े थे जो कि इस तरफ आने के लिए मना कर रहे थे और बोल रहे थे आगे से जाओ। तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस के साथ वेट करना, या फिर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करना और ट्राई करना कि आप झूले वाले रास्ते से ही जाएँ। उसके 2 फ़ायदे हैं,
तो पहला फ़ायदा ये है कि आपको बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ से देखने मिलेगा झूले से, ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप मंदिर के अंदर तक थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे, अगर आप कंपेरिजन करेंगे उस रास्ते से तो इस रास्ते से आप थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे। तो आप कोशिश करिएगा आप इस झूले वाले रास्ते से ही आएँ, ठीक है। फाइनली हम लोग लाइन में लग जाते हैं और हमें पता चलता है कि अभी थोड़ी देर के लिए आधे घंटे मंदिर बंद रहेगा क्योंकि भगवान जी को भोग लगाने का टाइम हो चुका है। ये सुनकर सब लोग बैठ जाते हैं आराम से और मैं आराम से बगल में नर्मदा नदी का नज़ारा देखते हुए अपना टाइम पास करने लगता हूँ। तो फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर पहुँचने ही वाले होते हैं कि मुझे एक स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें साक्षात ओमकारेश्वर जी के दर्शन हो जाते हैं यहीं से। तो आप भी यहीं से देख लीजिए और बाकी आपको दर्शन करने हैं तो आप यहाँ आइए और यहाँ आके दर्शन करेंगे, उसका मज़ा बिल्कुल अलग ही होगा, वो आपको बता नहीं सकता। तो फाइनली 2.5 से 3 घंटे बाद जब दर्शन हो गए उसके बाद मैं आता हूँ नीचे यहाँ से नज़ारा देखने के लिए पूरा, और आप भी इस नज़ारे को एंजॉय कीजिए। और दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हो गए मैं आपको बता दूँ, और आप यहाँ आइए, बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो हो गया फाइनली ओंकारेश्वर दर्शन और काफ़ी भीड़ थी, करीब 2-2.5 घंटे लग गए हम लोगों को, और अब जा रहे हैं खाना खाने, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, उसके बाद फिर वापस बैक टू उज्जैन। कल रात में हम लोग आते थे बहुत देर हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे हम लोग, तो आज है यहाँ पर डे 3 और आज हम लोग मंदिर भी घूमे एक बार फिर से, महाकालेश्वर दर्शन एक बार फिर से किए, साथ में और भी जगह घूमे जिसका पूरा डिटेल एकदम वीडियो बहुत ही बढ़िया आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने मिलेगा। तो बने रहिए, मिलते हैं आपसे एपिसोड नंबर 3 में।